नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण की भयावहता ने फिर एक बार आम और खास जनों की नींद उड़ा दी है। बिहार के प्रधान सचिव ने एहतियातन सभी संबंधित अस्पतालों को पूरी तैयारी रखने को कहा है। अलर्ट रहे लोगों से भी उम्मीद है कि वे निर्धारित मानदंडों का पालन करें। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद की शैली से प्रशंसकों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली है। यही वजह है कि आज वे 50 चर्चित भारतीयों के बीच छठे स्थान को काबिज किया है। बिहार को नाज है प्रदेश के उस डीजीपी पर जिन्होंने अपनी खास शैली से अलग पहचान बनाई है। सियासत की शतरंजी चाल को समान व्यक्ति क्या जाने। अब अपने इलाज के दौरान स्वर्गीय नेता रघुवंश बाबू द्वारा लिखित कथित चिट्ठी पर भी सियासत काफी गर्म हो गई है। बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच उक्त चिट्ठी को लेकर जुबानी जंग चलता रहा। राजद कांग्रेस का कहना है कि रघुवंश बाबू से साजिशन चिट्ठी लिखवाई गई थी, जबकि एनडीए गठबंधन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बिहार पुलिस की स्पेशल टीम ने जिस तस्कर को 1000 से अधिक गोलियों और हथियार के साथ बीते दिनों गिरफ्तार किया था, अब उससे सघन पूछताछ की जा रही है ताकि सिंडिकेट का पता चल सके। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने लालू प्रसाद के परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके परिवार के अपमान करने के चलते रघुवंश बाबू की जान गई। उन्होंने यह भी कहा कि लालू परिवार ने उनकी हत्या साजिशन की है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुनः राजनीति गरमा दी है कि बिहार के लोग सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। इसका खामियाजा एनडीए को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जदयू के नेता हरिवंश को फिर से राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने पर लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। उन्होंने विपक्ष के राजद उम्मीदवार मनोज झा को पराजित किया है। ट्रक ऑपरेटर संघ ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर एक मत तो है, लेकिन हड़ताल पर संभवतः मत भिन्नता है। जरूरी सामानों की खेप लेकर ट्रकों का पटना पहुंचना जारी है, जबकि संघ के सदस्यों ने एकता बनाए रखा है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा के बाद यह संकेत दिया है कि आगामी 29 नवंबर से पहले हर हाल में चुनाव होंगे। सभी जिलों के डीएम एसपी से टीम ने रायशुमारी भी की है। बिहार के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। इस बीच मरीजों के स्वस्थ होने का दर भी संतोषजनक रहा है, लेकिन जिस रफ्तार में देश में फिर संख्या बढ़ी है उससे चिंता होना स्वाभाविक है। इस बीच पटना जिला में 198 नए मरीजों के मिलने से चिंता बढ़ गई है।